क्या आप यकीन करेंगे कि आपके बड़े से बड़े लोड चलाने के लिए अब आपको भारी भरकम इन्वर्टर बैटरी लेने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 2 किलोवाट के इन्वर्टर पे आप लाइफ टाइम फ्री में अपने पूरे घर के लोड चला सकते हैं। कितने बड़े लोड चला सकते हैं, सामने आप देखिए ये एयर कंडीशनर लगा है, ये भी चला सकते हैं। और इसके साथ ही आपके घर के कूलर, पंखे, फ्रिज, घर के मैक्सिमम जितने लोड हैं वो सारे लोड चला सकते हैं। आज की डेट में सरकार द्वारा 2 किलोवाट सिस्टम पे सब्सिडी दी जा रही है, पर उस सब्सिडी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, उस सब्सिडी को लेने में बहुत सारी दिक्कतें हैं और उस सिस्टम में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। पर ये जो मैं आज आपको सिस्टम दिखाने जा रहा हूं, इस सिस्टम में दिक्कत के नाम पे नहीं है कुछ भी। एक बार लगाना है और उसके बाद में जीवन भर कोई आपको देखभाल नहीं करनी है। कीमत इतनी कम कि एक नॉर्मल एक आय वाला व्यक्ति भी इस सिस्टम को लगवा सकता है। और आरओआई की मैं बात करूं तो मात्र 2.5 साल के बिजली बिल में आपकी इस सिस्टम की पूरी कीमत निकल जानी है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम वो लोग लेते हैं जिनके हर रोज के करीब 10 यूनिट के पावर कनेक्शन है। महीने में मैं बात करूं तो 300 यूनिट महीने के पावर कंजप्शन उन लोगों के हैं। ऐसे लोगों को 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लिया जाता है। आज इस सिस्टम में मैं आपको 3 डिफरेंट कैटेगरी दिखाऊंगा जिसमें कि आप 15 यूनिट तक का भी अगर आपके पास में पावर कंजप्शन है तो भी आप इसी सिस्टम से 15 यूनिट हर रोज का पावर कनेक्शन तक का भी लोड चला सकते हैं। दूसरी बात, जैसे वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको बताया कि आज की डेट में जो पीएम सूर्य घर योजना चल रही है उसके साथ में भी आप 2 किलोवाट का सिस्टम ले सकते हैं। अब उसमें दिक्कत आपको दो फेस करनी पड़ती है उस सब्सिडी वाले सिस्टम में। एक तो यह है कि आप अपनी मनमर्जी का पैनल नहीं ले सकते हैं, उसमें आपको डीसीआर ही पैनल लेना पड़ेगा। अब डीसीआर जो पैनल है वो पैनल जो है, अगर मार्केट की आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करूं तो उस टेक्नोलॉजी के कहीं आसपास भी नहीं फटकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग अगर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर जाना चाहते हैं वो सब्सिडी वाले सिस्टम पर नहीं जाते हैं। दूसरी दिक्कत यह है सब्सिडी वाले सिस्टम में कि बिजली है तो ही आपका सोलर सिस्टम काम करेगा, बिजली नहीं है तो आपका सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ऐसे लोग जो दूर दराज में रहते हैं, बिजली के वहां पे पावर कट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को सब्सिडी वाला सिस्टम नहीं भाता है। तो ये जो मैं आपको सिस्टम दिखाने जा रहा हूं, इस सिस्टम में आप बिजली रखना चाहें आप रख सकते हैं, ना रखना चाहें ना रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस सिस्टम में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है ऑफ ग्रिड सिस्टम, और ऑफ ग्रिड सिस्टम इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला सिस्टम है। इस सिस्टम की जो खासियत है वो ये है कि मात्र 2 बैटरी बैंक पे आप अपने पूरे घर का लोड चला सकते हैं। अगर आपको बैटरी ज्यादा लगानी है, 2 की जगह 4 लगानी है, तो 4 भी बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मतलब कि कंप्लीट आपको यहाँ पे फ्रीडम मिल जाता है बैटरी का। रात को अगर आपको ज्यादा लोड चलाने हैं 2 किलोवाट पे ही, तो ज्यादा लोड भी आप चला सकते हैं, कम चलाने हैं तो कम भी चला सकते हैं। तो इसमें पैकेज 1 की अगर मैं बात करूं तो पैकेज 1 में जो हम लोग आपको इस ऑफर में दे रहे हैं वो दे रहे हैं ये जो मेरे आप सामने देख रहे हैं ये वाला इन्वर्टर। अब ये जो इन्वर्टर है ये है 2.5 kVA का 24 वोल्ट का MPPT सोलर PCU। 2.5 kVA का मतलब यहाँ पे यह है कि 2 किलोवाट का इन्वर्टर है, और चूंकि केवीए में बात की जा रही है तो इसलिए केवीए में बात की जा रही है क्योंकि इस इन्वर्टर में पावर फैक्टर होता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि 0.8 का पावर फैक्टर नॉर्मली इंडिया में ज्यादातर इन्वर्टर्स में होता है। तो अगर 2 किलोवाट के इन्वर्टर की आप बात करें, अगर 2 kVA के आप इन्वर्टर की बात करें तो लगभग 1600 वाट का वो इन्वर्टर होता है। इसी तरह अगर 2.5 kVA की बात करें तो 2.5 kVA का ये इन्वर्टर 2 किलोवाट का इन्वर्टर है। अब इस इन्वर्टर की जो खासियत है वो ये है कि इस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है वो कॉपर का ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। अब कॉपर का ट्रांसफार्मर रखने का फायदा यह है कि जो सिस्टम की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, लॉसेस कम हो जाते हैं। और एक लॉन्ग टर्म की हम लोग बात करें तो कॉपर का ट्रांसफार्मर अगर एल्यूमिनियम के ट्रांसफार्मर से कंपेयर करें तो ज्यादा रिलायबल होता है। तो मार्केट में आपने बहुत सारी कंपनियों के इन्वर्टर देखे होंगे 2 किलोवाट के, पर अगर साइज की मैं बात बोलूं तो साइज आपको उनका बस इसका आधा ही मिलेगा। और इसका जो इन्वर्टर का साइज है वो खाली साइज ही बड़ा नहीं है, इसका ट्रांसफार्मर बड़ा है। और अगर मैं वेट की बात बोलूं तो करीब 30 किलो इस इन्वर्टर के अंदर वजन है। तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, बकायदा मैं आपको लोड लिफ्ट भी करके दिखाऊंगा कि किस इन्वर्टर की कितनी ताकत है और आप क्या-क्या लोड कितने टाइम चला पाएंगे, वो सब इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। तो अब इस इन्वर्टर को मैंने इस पैक में क्यों जोड़ा है, वो इसलिए जोड़ा है कि इस इन्वर्टर में एक तो यह है कि इजीली आप जो रिपेयरिंग है इन्वर्टर की वो करा सकते हैं, मतलब किसी भी जो नॉर्मल मैकेनिक होते हैं वो भी इस इन्वर्टर को रिपेयर कर देंगे, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि 2 बैटरी पे ही आप मैक्सिमम अपने लोड लिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको नंबर ऑफ बैटरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात कि आप दोनों में से कोई भी बैटरी लगा सकते हैं, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं ये लेड एसिड बैटरी है ट्यूबलर वाली, जो C10 बैटरी होती है। तो सोलर के लिए
ये C10 बैटरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ आप यहाँ पे लिथियम बैटरी देख रहे हैं, तो लिथियम बैटरी भी, तो आप कोई भी बैटरी लगा सकते हैं, या तो लिथियम बैटरी भी इसके ऊपर लग जाएगी, और अगर आप लेड एसिड बैटरी लगाना चाहते हैं तो लेड एसिड बैटरी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। दोनों फीचर इसमें दिए हुए हैं। आप पैनल की बात कर लें तो लगभग 2300-2400 वाट तक का पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब ये पीछे आप मेरे देखें, तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नेक्सस का इको प्लस 575 वाट का बायफेशियल पैनल है, जो कि एन टाइप टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। आज के डेट में आपने एक्सपो में देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों ने इस बार एन टाइप के पैनल लगाए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 2024 में लोग बात कर रहे हैं कि टॉप कॉन और एन टाइप की टेक्नोलॉजी के बारे में, पर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को 2019 में ही ले आए थे, और 2019 से हम इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में बेच रहे हैं। तो ये जो पैनल है, ये एन टाइप टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और इस पैनल पर पहली बार इंडिया में आपको 30 साल की वारंटी मिलती है। तो इस पैकेज में हम जो ऑफर कर रहे हैं आपको, वो चार पैनल ऑफर कर रहे हैं 575 वाट के, तो चार पैनल से 10 से 15 यूनिट तक आपको हर रोज बिजली मिल जाएगी। अब उस बिजली को आप दिन में कितना खर्च करते हैं और बैटरी में कितना डालते हैं, वो तो आपको एक कैलकुलेशन की बात है, तो वो कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। पहले आप अपनी 100% बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, या तो फिर आप ऐसा चाहते हैं कि दिन भर आपका लोड चल जाए और बैटरी शाम को आप बिजली पे यूज कर लें, तो वो आपके हिसाब की बात है। तो इस पैकेज में चार पैनल 575 वाट के आपको मिलते हैं, इसके साथ ही दो आपको ये लेड एसिड की बैटरी मिलती है, जो कि C10 है। इस बैटरी की मैं आपको फ्रेंड्स बात बताऊं कि ये जो बैटरी है, ये 50 AH की बैटरी है C10 की, और इस बैटरी पे आपको इंडिया में पहली बार एक ऐसी वारंटी मिलती है जो कि दूसरी किसी कंपनी पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें वारंटी क्या है कि पहले 3 साल में अगर आप ये बैटरी खराब कर लेते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं, और अगले 2 साल में अगर आपकी बैटरी खराब हो जाए तो 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे आप इस बैटरी को बदल सकते हैं। तो इस बैटरी की ये खासियत है। तो ये वाला पूरा पैकेज आपको मिलता है नंबर एक। अब इसी पैकेज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि साहब लाइफ टाइम मेरा सॉल्यूशन बन जाए, एक बार लगा के मेरे को कभी ना पानी देखना पड़े बैटरी में, ना कोई झंझट हो। तो ये लेड एसिड बैटरी है, इसका एक नुकसान ये है फ्रेंड्स कि जब आप इस बैटरी को चार्ज करते हैं, तो चार्ज होते में इस बैटरी को लगती है 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट बिजली आप इसमें डालेंगे तो ये बैटरी फुल चार्ज होगी, पर जब वापस आप बैकअप लेंगे इस बैटरी से, तो सिर्फ 1 ही यूनिट आपको बैकअप मिल पाता है। तो 1 यूनिट आपको यहां पे बैकअप का लॉस देखने को मिलता है। तो इसलिए लेड एसिड बैटरी को आज की डेट में बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते हैं, उसके बदले में लोग ये वाली जो बैटरी आप देख रहे हैं लिथियम फॉस्फेट की, इस बैटरी को प्रेफर करते हैं। इस बैटरी पे आपको 15 साल की वारंटी मिलती है, और जो वारंटी की डिटेल है वो आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि किस तरह वारंटी मिलती है। प्योर स्टेनलेस स्टील से बनी हुई ये बैटरी है। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोज भी देख सकते हैं कि जिन वीडियोज में मैंने इस बैटरी को पूरी तरीके से टेस्ट करके दिखाया हुआ है। और अगर मैं पावर की बात करूं तो 2 165 एम्पीयर की जो लेड एसिड बैटरी है ट्यूबलर C10, उस बैटरी से ज्यादा बैकअप आपको इस बैटरी से मिल जाएगा। और आप जगह देख ही रहे हैं, जरा सी जगह है कोई बैटरी में, कोई मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं, कोई देखभाल नहीं, तो आप ये वाली बैटरी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इसकी लोड टेस्टिंग भी आपको दिखा देता हूं और इसकी कीमतें भी बताता चलूंगा। इसी के साथ इतना लोड टेस्टिंग पे मैं सिस्टम लगवा रहा हूं, आपको इसी का एक लेटेस्ट वर्जन और बता देता हूं। तो है क्या कि अक्सर लोग 2 किलोवाट का सिस्टम वो लोग लेते हैं कि जो लोग नंबर ऑफ बैटरी अपना कम रखना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मतलब ये होता है कि अगर 2 किलोवाट का उन्होंने इन्वर्टर लिया तो 2 ही किलोवाट पैनल लगाएंगे। ऐसा नहीं है, आप 1 किलोवाट ही पैनल लगा सकते हैं। 2 किलोवाट पर मैक्सिमम वो लोग जाते हैं जिनको नंबर ऑफ बैटरी कम लगानी पड़ती है, मतलब जो लोग नंबर ऑफ बैटरी कम लगाना चाहते हैं। तो 2 बैटरी पे ही एक और सॉल्यूशन आपको मिल जाता है जो आप ये मेरे सामने देख रहे हैं। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं देवसोल एनर्जी का ये जो इन्वर्टर है, ये सुपर MPPT PCU है। अब इस PCU का एडवांटेज ये है कि इस PCU पे आप 2 बैटरी पे ही 2.5 किलोवाट से ज्यादा का भी लोड लिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में 1.5 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का AC लगा है तो वो AC भी आप इस इन्वर्टर से चला सकते हैं। इस इन्वर्टर पे आप 2 बैटरी चाहें लेड एसिड की 2 बैटरी भी लगा सकते हैं, और 4 बैटरी चाहें तो 4 बैटरी भी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर की एक और खासियत है, वो ये है कि अगर आप इस इन्वर्टर को बिना बैटरी भी चलाना चाहें, तो एक तरफ बिजली और एक तरफ आप सोलर पावर दोनों को लगा के आप इस इन्वर्टर को बैटरी लेस भी चला सकते हैं, बिना बैटरी भी चला सकते हैं। तो इस 3 किलोवाट के इस इन्वर्टर को मैंने इस पैकेज में इसलिए शामिल किया है ताकि जो लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़े से हाई लोड चलाने हैं, 1200-1500 वाट के लोड चलाने हैं, तो फिर वो ये ग्रीन वाला PCU ना लेके फिर उनको ये वाला PCU लेना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ बैटरी तो इस पे भी 2 ही लगेंगी और इस पे भी 2 ही लगेंगी। पर और नंबर ऑफ पैनल की बात करूं तो इस वाले PCU पे 4 पैनल लगा सकते हैं, पर इस वाले PCU पे आप 6 पैनल भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके 10 से 15 यूनिट के
हर रोज के खर्चे हैं, पावर कंजप्शन है, तो फिर आपको ये वाला पीसीयू लेना चाहिए। 24 वोल्ट के इस वाले पीसीयू पे अगर आप 3 किलोवाट का पैनल लगा देंगे तो 12-15 से 18 यूनिट तक आपको बहुत आराम से बिजली हर रोज मिल जाएगी, तो आपके घर के मैक्सिमम जो लोड है वो चल जाएगी। तो ये 2 किलोवाट का एक पैक बन जाता है जिसके अंदर 4 आपको 575 वोल्ट के पैनल मिल जाते हैं बायफेशियल वाले, एक इन्वर्टर मिल जाता है, 2 आपको लेड एसिड की बैटरी मिल जाती है या तो फिर लिथियम की आप बैटरी ले सकते हैं। और इस वाले पीसीयू में तो आपको कोई अलग से प्रोटेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वाले पीसीयू में ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो इस पीसीयू में खराब होने की संभावना ना के बराबर होती है। पर अगर आप ये वाला पीसीयू लेंगे तो खराब होने की संभावना इसमें भी 0.1% ही है, पर इस इन्वर्टर में आपको प्रोटेक्शन बॉक्स भी लगाना पड़ेगा, तो प्रोटेक्शन बॉक्स इस वाले पीसीयू के साथ में हम और एड ऑन करते हैं, तो ये पूरा पैकेज आपका बन जाता है। तो फ्रेंड्स मैं पहले आपको लोड लिफ्टिंग दिखा दूं, ये आप देखिए मैंने यहाँ पे ये बैटरी लिथियम बैटरी के साथ में ये इस पीसीयू को कनेक्ट करा दिया, और ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने लोड बैंक को कनेक्ट करा दिया। इसी के साथ आपकी मैं पीसीयू की आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप ये देखें ये पीसीयू मेरा ऑन हो गया, और इधर आप देख रहे हैं आउटपुट में 220 वोल्ट, बैटरी 26.4 वोल्ट है मेरी। तो मैं आपको लोड लिफ्टिंग दिखाऊंगा। फ्रेंड्स एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे दूं कि किसी भी इन्वर्टर को उसकी 100% क्षमता पे कभी नहीं चलाना चाहिए। 100% क्षमता पे अगर किसी भी पीसीयू को आप चलाएंगे तो उसकी खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो इसीलिए किसी भी पीसीयू को मैक्सिमम आप 70% या 80% तक चला सकते हैं। तो 2 किलोवाट के इस सोलर पीसीयू की जो मैक्सिमम आप अगर मैं आपको अलाउ कर रहा हूं लोड चलाने के लिए तो आप 1700 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपको 1700 वाट से ज्यादा का लोड चलाना है तो फिर पीसीयू आपको चेंज करना पड़ेगा। पीसीयू फिर आप 150 का जो मैंने अभी आपको ये वाला पीसीयू दिखाया आप ये वाला पीसीयू जरूर लें। तो ये आप देखें कि ये जो है ये हमारा लोड यहाँ पे चल गया, और आप इसमें देखें कुछ 200 वाट के बल्ब हैं, कुछ 100 वाट के बल्ब हैं, ये बल्ब यहाँ पे लगा दिए गए हैं। इसी के साथ पीछे फैन भी चल रहा है और यहाँ पे हीटर भी है, मैं हीटर भी आपको चलवा के दिखा देता हूँ। और इसी के साथ मैं क्लाइमीटर में आपको दिखाऊं तो आप ये देखें, तो आप ये देखें फ्रेंड्स 3.70 एम्पियर का लोड चल रहा है। इसी के साथ ही मैं और लोड बढ़वा देता हूं और आप ये देखें यह लोड बढ़वा दिया 4 एम्पियर का लोड। और मैं आपको इन्वर्टर की डिस्प्ले पे भी फ्रेंड्स दिखाऊं तो आप ये देखें यहां पे इन्वर्टर की डिस्प्ले पे भी हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं, तो आप इन्वर्टर की डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स 814 वाट। और मैं धीरे धीरे यहां पे लोड बढ़वाता हूं, आप ये देखें कि 1400, 1500 और 1600, 1672 वाट। और मैं चाहूं तो थोड़ा सा लोड और बढ़वा सकता हूं, पर आप ये देखिए थोड़ा मैं और लोड बढ़वा देता हूँ, 2200 वाट का लोड चला गया। पर मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 1700 वाट से ऊपर का लोड इस इन्वर्टर पर चलाएं। ये इन्वर्टर मैक्सिमम 1800 वाट लोड लिफ्ट करने के हिसाब से बनाया गया है, तो आप 1800 वाट से ऊपर का लोड इस इन्वर्टर से ना चलाएं। आप ये देखें फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे फिजिकली भी दिखा दूँ, एक यहाँ पे ये हीटर यहाँ पे चल रहा है, इसके साथ ही बल्ब यहाँ पे चल रहे हैं, ये आप देखें हीटर 1 किलोवाट का हीटर है, और इसके साथ ही हमारे यहाँ पे 8 बल्ब हैं, कुछ 200 वाट के हैं, कुछ 100 वाट के हैं। और आप डिस्प्ले पे देखें 2083 वाट का लोड चल रहा है इंटरप्टेड, इसीलिए इस ये इन्वर्टर एक बेहतरीन इन्वर्टर बन जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसकी कीमत बता दूं कि इस पैक की कीमत वो कितनी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स 4 पैनल 575 वाट, एक ये वाला पीसीयू, 150 एएच की 2 बैटरी, ये टोटल जो कॉस्ट है ये आपको कॉस्ट बैठती है विद GST 115,024 रुपये। 115,000 रुपये में ये वाला पैक मिल जाता है। इसके साथ ही जो लोग ये चाहेंगे साहब मेरे को तो बैटरी जो है वो चेंज करना है, आजकल ये जमाना रहा नहीं कि लेड एसिड बैटरी के साथ में जाएं, तो अगर आप इसी पैक को लिथियम बैटरी के साथ में लेते हैं तो लिथियम बैटरी जैसे आपने देखा लिथियम बैटरी आपको 15 साल की वारंटी मिलती है, तो 146,608 रुपये में इंक्लूडिंग GST आपको इस बैटरी के साथ में ये वाला सिस्टम मिल जाएगा। इसी के साथ अब जो लोग ऐसे हैं कि जिनको 2000 वाट के आसपास के लोड चलाने हैं, या तो फिर उनका ऐसा है कि उनके हर रोज के पावर कंजप्शन ज्यादा है, तो वो नंबर ऑफ पैनल भी ज्यादा लगा सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इस ऑफर में आपको 4 पैनल के साथ में बता रहा हूं, पर आप 6 पैनल के साथ भी इस पैक को ले सकते हैं। तो 4 पैनल के साथ में, तो 4 पैनल 575 वाट, 3 KVA का ये वाला सुपर सोलर पीसीयू, इसी के साथ भी ये
24 वोल्ट 100 एएच की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी और एक प्रोटेक्शन बॉक्स। यहाँ पे प्रोटेक्शन बॉक्स मैंने आपको बताया कि इस इन्वर्टर महंगा इन्वर्टर है और आपके घर के सामान को भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन बॉक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इन सबकी जो कीमत है वो है 1,74,154 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी। मैं आप ये वाला 3 किलोवाट का, यहाँ पे सिस्टम में 2 किलोवाट नहीं रह जाता है, 3 किलोवाट हो जाता है क्योंकि बैटरी यहाँ पे आपको एक लॉन्ग लाइफ मिल गई, 15 साल की वारंटी वाली बैटरी मिल गई, इन्वर्टर 3 किलोवाट का मिल गया और पैनल भी आपका करीब 2.5 किलोवाट का है। तो आप एक पैनल चाहें एक पैनल भी बढ़ा सकते हैं, दो चाहें दो भी बढ़ा सकते हैं। तो 1,74,154 रुपए में आपको ये वाला जो सिस्टम है वो मिल जाता है। और अगर आप ये इस पीसीयू के साथ में लिथियम बैटरी ना लेना चाहते हैं, लेड एसिड बैटरी लेना चाहें, तो लेड एसिड बैटरी में आप 3 ऑप्शन ले सकते हैं, 150 एच, 165 एच और 200 एच। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके ये वाला पूरा सिस्टम बाई कर सकते हैं। लास्ट एक बात और रह गई, मैंने आपको यहां बोला था कि इस वाले सिस्टम से आप अपना एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड उसके लिए आप ये वाला जो मेरे सामने एयर कंडीशनर देख रहे हैं, ये आउटडोर यूनिट है, ये सोलर का एयर कंडीशनर है और आप 100 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट के रूम में आप इस एसी को लगा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस। इस एसी को ये वाला जो पैक मैंने आपको बताया, इस पैक पे आप पूरे दिन बिना बिजली के चला सकते हैं पूरे दिन। और इसके साथ ही एयर कंडीशन आपने चलाया, इसके साथ ही आपके घर के पंखे, कूलर, आपके घर का पंखा है, टीवी है, मोबाइल फोन चार्जिंग है, आप वो लोड भी इस एसी के साथ में इस पैक में चला सकते हैं। तो इतना पावरफुल ये पैक है। अगर आपके घर पे सोलर वाला एसी नहीं है तो फिर 1 टन का जो आपके इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर है उस एयर कंडीशनर को आप इस वाले पैक में चला सकते हैं। बाकी जो पीला वाला मैंने आपको सिस्टम दिखाया 3 किलोवाट का, उस पर आप 1.5 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का 5-स्टार एसी भी पूरे दिन चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।